वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जयगढ़ फोर्ट के बारे में दिखाने वाला हूँ, जो जयपुर शहर में आया हुआ है। सबसे बड़ा रोमांच जो आप कभी भी ले सकते हैं वह है अपने सपनों का जीवन जीना। मैं ज़्यादातर राइड अपने एक्टिवा से करता हूँ और मेरी राजस्थान ट्रिप की सेकंड राइड है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन चंद्र उपाध्याय है और अभी हमने यहाँ पे गोविंद देव जी में अच्छे से दर्शन कर लिए और अभी एक्चुअली मैं जा रहा हूँ जयगढ़। एक्चुअली जयगढ़ जो फोर्ट है मेरा बाकी रह गया था। अगर आप आमेर फोर्ट जा रहे हो तो जयगढ़ साथ में घूम लेना। एक्चुअली मुझे पता नहीं था वहाँ पे बड़ी सी तोप है। तो गोविंद देव जी से जो जयगढ़ की जो दूरी है करीब 6.2 किलोमीटर है। तो अभी वहाँ से वहाँ पे जाते हैं। तो मेरे साथ और भी लोग हैं तो वो पहले मेरे साथ जयगढ़ घूम लेंगे, बाद में वो आमेर फोर्ट चले जाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अगर किसी के पास एक्टिवा या नहीं ज़्यादा व्हीकल नहीं है तो यहाँ पे ई रिक्शा भी चलती है। तो आप ई रिक्शा से भी लाइक जा सकते हो और यहाँ पे लाइक ओला उबर भी चलती है तो आप ओला उबर भी ले सकते हो। तो ई रिक्शा थोड़ा सा मतलब आपको लाइक पड़ेगा, मतलब आपको जल्दी मिल जाएगा। रास्ता ना एक्चुअली सीधा सीधा रास्ता जाता है, पर वहाँ पे एक बोर्ड आएगा जयगढ़ के लिए, तो आपको वहाँ से लेना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे कई और वीडियोज़ बनाने के लिए। आमेर फोर्ट या जयगढ़ फोर्ट जाने का जो रास्ता है ये काफ़ी खूबसूरत है। I got time, it's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Jaigarh Killa. कैसा लग रहा है? मस्त, एकदम मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग जयगढ़ किला पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बार आप अपना फोर व्हीलर या टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हो। यहाँ पे काफी बड़ी पार्किंग भी है। तो यहाँ पे जो एंट्री टिकट है ना वो 100 रुपीज़ है। और अगर आपके पास अब व्हीकल लेके आ रहे हो तो आप बाहर भी पार्क कर सकते हो, अंदर भी पार्क कर सकते हो। पर बाहर उन्होंने बोला कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी हो जाए अंदर हमारी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे गार्ड्स हैं। तो हमने बोला ठीक है 10 रुपीज़ की टिकट है तो दे दो। तो भी गाइड जो है हमें अंदर से लेंगे शायद से। तो हमें अंदर यहाँ पे गार्ड मिल गया, अंदर ही खड़ा था तो हमने ले लिया गाइड। 4 लोग हैं ना हम लोग, पता नहीं कितने हैं पर सब कुछ समझा देगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, गाइड का वीडियो मिल जा सकती है। मतलब काम करना, मैं रखूँगा, आप बस आवाज़ दे देना। और देख रहे हो ना सर, प्राइवेट फोर्ट का नाम है जयगढ़ फोर्ट आमेर का किला। अभी भी सर ये वाला किला है ना रॉयल फैमिली के अंडर में ही है। अभी के जो राजा है ना उनका नाम है पद्मनाभ सिंह, और खुद के बेटे नहीं है। जो उनकी जो लास्ट वाले राजा थे ना, यहाँ के भवानी सिंह जी थे जो आर्मी में थे सर, उनके कोई लड़का नहीं होता, एक लड़की हुई है, उनका नाम है दिया कुमारी जी। जो दिया कुमारी जी का लड़का हो ना उसे अडॉप्ट किया था भवानी सिंह जी ने 2002 के अंदर। फिर उसके बाद में उनको राजा बना दिया गया। जब 2011 के अंदर उनकी डेथ हो गई ना, उसके बाद में उनको राजा बना दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में वही राजा है जयपुर के। लगभग 23 साल की एज है, 1998 में जन्म हुआ था, 2002 के अंदर अडॉप्ट किया था, 2011 के बाद में उनको राजा बना दिया गया। और यहाँ के राजा ना सर इंडिया टीम की तरफ से पोलो भी खेलते हैं।
तो उन्हीं के अंडर में किला है। जयपुर के अंदर दो ही पैलेस है, जो प्राइवेट सिटी पैलेस है और एक ये वाला किला है। रॉयल फैमिली रहती है ना सिटी पैलेस के अंदर रहती है। और जो ये वाला किला है ना सर, इस किले की नींव लगाई थी यहाँ के राजा थे कोकिल देव जी, 1036 में इसकी नींव लगाई थी 1036 में, और लगभग फोर्ट का निर्माण होने में 700 साल लग गए थे। जैसे बिल्कुल सर, जरा जिस राजा को जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी उस चीज़ का निर्माण करवाते थे। और इसके अंदर सर उनकी 27 जनरेशन गुजर गई थी, जैसे 27 पीढ़ियाँ गुजर गई, जैसे जिस राजा को जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी उस चीज़ का निर्माण करवाते थे। वो जो 27 नंबर के राजा थे ना, वो थे सवाई जयसिंह। फिर उन्हीं के नाम पे फोर्ट का नाम रखा गया जयगढ़। जैसे जो भी चीज़ बनाई ना उन्होंने उसे अपना ही नाम दिया, जैसे जयपुर है, जंतर मंतर है, जयवान तोप है, जयगढ़ किला है, आगे का सबके नाम आगे की अपना जय जोड़ रखा है। तो सभी चीज़ें उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और ये वाला किला मैंने बताया स्पेशली ओनली सेना के लिए बनवाया गया था, यहाँ पर ओनली सैनिक रहते थे वो। और देखो ये वाला जो गड्ढा देख रहे हो ना, यहाँ पर वेस्टेज पानी के लिए बनवाया था उन्होंने, जो गंदा पानी होता था ना वो इसमें स्टोर करते थे। जैसे फोर्ट का निर्माण करवाया गया तो यहीं से चट्टाने वगैरह काटी थी उन्होंने, फोर्ट का निर्माण करवाया, जो गंदा पानी होता ना फिर इसमें स्टोर किया था। आगे ही था फिर एक टैंक और बना रखा उन्होंने, काफ़ी बड़ा टैंक बना रखा है, जो साफ पानी होता था ना वो उसमें स्टोर करते थे वो। और यहाँ पर बनाया गया सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब आगे एक तरफ चल के देखें, जो जयवान तोप है ना वो आगे आपको बता दो। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, नाम है जयवान तोप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। जयवान तोप महाराजा स्वय जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाने में आया था। उन्होंने अपने नाम से ही तोप का नाम दिया जयवान तोप। तोप का निर्माण इसी किले में करने में आया था नीचे की तरफ, बाद में हाथियों द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ऊपर लेकर इसे असेंबल करने में आया था। इसको टेस्टिंग के दौरान 1720 में चलाया गया था। इसको चलाने के लिए 100 किलो गन पाउडर और 50 किलो के गोले का इस्तेमाल किया था, और उसको चलाने के बाद इसका गोला करीब 35 किलोमीटर दूर गिरा था, और ये जहाँ पे गिरा वहाँ पे एक छोटा सा लेक बन गया था। बैरल की लंबाई 20.19 फुट है और वजन करीब 50 टन है, और इसका डायमीटर करीबन 11 इंच है। तो अगर इस तोप की डायरेक्शन चेंज करनी होती थी तो चार हाथी द्वारा इसकी डायरेक्शन चेंज होती थी, दो हाथी आगे की तरफ और दो हाथी पीछे की तरफ रहकर इसकी डायरेक्शन चेंज करते थे। तो उस समय महाराजा अपने हथियारों की पूजा करते थे, तो आज भी फेस्टिवल के दौरान उनके पंडित आकर तोप की पूजा करके जाते हैं। जयवान तोप के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि असाधारण वजन होने की वजह से ये कभी किले से बाहर नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल कभी किसी युद्ध में भी नहीं किया गया था। अब थोड़ा और बताओ तो इसके बारे में, इसकी नाल को पहियों पर दोबारा रखने का कार्य महाराजा स्वय राम सिंह जी द्वितीय 1835 से 1880 में के शासनकाल में हुआ था। इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट है और धुरे की मोटाई 1 फीट है। पीछे के पहियों और उनके निकट लगी रोलिंग पिन के सहायक से इसे आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है। निर्माण के पश्चात परीक्षण के तौर पर यहाँ तो एक बार ही चलाई गई थी। किले के बनावट व सूझबूझ के कारण यहाँ कोई सेना नहीं पहुँच पाई, इस कारण इसको दोबारा उपयोग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और देखो उन्होंने ये वाला फोर्ट है ना पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे ना पानी की ज्यादा समस्या होती थी, क्योंकि खुदाई करके तो पानी नहीं निकाल सकते थे। तो राजा ने बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए एक वाली नाल भी बनवाई थी। ये वाली ये नाल ना सर पहाड़ी के अंदर पूरा 5 किलोमीटर जाता है आगे की तरफ, ये सड़क बनी हुई है ना इसके दोनों तरफ बनी हुई है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर एरिया जितना बरसात का पानी होता है ना सारा इसी तरफ आता है। अच्छा, सिस्टम ना आज भी काम करता है, जैसे किले के अंदर आज भी जो पानी पिया जाता है ना वो बरसात के पानी को स्टोर करके पीने के लिए काम में लिया जाता है। अच्छा, और ये जाली लगी हुई है नीचे की तरफ जिसके द्वारा पानी अंदर की तरफ जाता है, और अंदर की तरफ ना काफ़ी बड़ा टैंक बना रखा है, उस टैंक में स्टोर किया जाता है। तो पानी को स्टोर करने से पहले ना उसको दो जगह फिल्टर किया जाता था, फिर उसके बाद में टैंक में स्टोर किया जाता है उस पानी को। अच्छा, तो एक फिल्टर सिस्टम का तो उन्होंने यहाँ से बना रखा है, यहाँ से देखेंगे। एक तो सर देखो यहाँ से है उन्होंने स्लॉप बना रखी है ना, देखो इसकी पीछे की तरफ ही दे रखा है उसका डाल, जो यहाँ से पीछे से पानी आएगा ना वो यहाँ से आगे तब जाएगा, और इसका डाल दे रखा है सर पीछे की तरफ। उसका रीजन ये होता है पहाड़ी के अंदर से जो भी मिट्टी वगैरह आएगा ना सारा यहीं पर रुकेगा, और ऊपर का जो साफ पानी होगा ना वो आगे की तरफ चला जाएगा। उनको लगता है कि वेस्टेज पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी होता है ना इस गड्ढे के अंदर छोड़ देते हो फर्स्ट टाइम गंदे पानी को। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम बरसात आती है पूरा नाल होता है ना साफ हो जाता है, तो साफ पानी होता है ना वो आगे की तरफ स्टोर किया जाता है। आगे की तरफ काफ़ी बड़ा टैंक बना रखा है उन्होंने,
उस टैंक में स्टोर करने से पहले एक जगह और है जहाँ पर पानी को साफ किया जाता है, फिर टैंक में स्टोर किया जाता है। काफ़ी बड़ा टैंक बना रखा उन्होंने, जैसे आज किले के अंदर आज भी जो पानी पिया जाता है ना, आज भी उसी टैंक का पीने के लिए काम में लिया जाता है। जो बड़ी वाली विंडो बनी हुई है ना, यहाँ से पहले छोटी वाली तोपें होती थी ना, उनको फायर करते थे वो, और तीर कमान चलाते थे, क्योंकि उस समय ना कोई बंदूक वगैरह नहीं होती थी, तो तीर कमान चलाते थे वो यहाँ से चलाते थे। देखो अगर दुश्मन वगैरह पास में होंगे ना तो तीर कमान यहाँ से चलाएंगे, अगर लॉन्ग है दूर है तो डिस्टेंस के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से आपको लंबा दिखेगा। जैसे अधिक पास में आ जाते थे ना, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे, रस्सी की सहायता से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे वो, तो फिर यहाँ से जैसे गर्म तेल गर्म पानी होता था ना, फिर वो यहाँ से नीचे की तरफ तो सर अलग अलग डायरेक्शन देना से। कितना दिमाग लगा देते भाई। अगर आपके पास फोर व्हीलर हो ना तो आप इसको अंदर तक भी लेके आ सकते हो, पर अगर आपके पास टू व्हीलर है ना तो आप टू व्हीलर अंदर नहीं ले आ सकते, तो आपको बाहर पार करके यहाँ पे वॉक करना पड़ेगा। ज़्यादा वॉक भी नहीं है, थोड़ा ही वॉक है, पर फोर व्हीलर हो तो आप यहाँ पे अंदर तक लेके आ सकते हो। तो स्क्वायर है वो पार्किंग के बाजू में दिख रहा है। अच्छा कितना लीटर का होगा? कितना? 60 लाख 11 गैलन। 7 लाख गैलन। वो कल भी वो शाम के समय का ही बताया होगा मैंने। देखो पानी देखना चाहता हूँ आपके यहाँ से पानी वगैरह दिख जाएगा। अच्छा राइट वाला दरवाजा ना यहाँ जरूर। पानी के टैंक इस बड़े चौक में स्थित 3 टैंक पानी इकट्ठा करने के काम आते थे। सबसे बड़ा टैंक ढका हुआ है, इसका पानी किले में रहने वाले सदियों से पीते आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा टैंक 158 फीट लंबा, 138 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। इसकी दीवारों में हवा आने के लिए खिड़कियाँ बनी है। इस टैंक में 81 खंभे हैं जिन पर छत का निर्माण हुआ है। इस टैंक के पानी की भराव की क्षमता करीब 60 लाख गैलन है। भारत सरकार द्वारा 1976 में खजाने की तलाश में इसका पानी खाली करके दीवार तथा फर्श की खुदाई की गई थी। इसके ठीक पीछे दाई ओर छोटा टैंक है जो 69 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट गहरा है। इसकी छत में 9 सुरंग है और प्रत्येक सुरंग के नीचे एक कमरा है। इन्हीं कमरे में सवाई जयसिंह जी के शासनकाल तक शाही खजाना रहा था। महाराज सवाई जयसिंह जी द्वितीय द्वारा इस खजाने से धन का उपयोग सन 1720 ई में जयपुर शहर बसाया गया। 1976 में टैंक का पानी निकालकर खजाने की तलाश की गई थी, किंतु किले में कहीं भी कोई संपत्ति नहीं मिली। इसके बगल में ही तीसरी टैंक है, यह 61 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा, 27 फीट गहरा है। इसका पानी नहाने एवं कपड़े धोने के काम आता है। इन टैंकों के दाई ओर जाने पर आप एक विशाल चौक में प्रवेश करेंगे जो जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। इस जलेब चौक में एक और शस्त्रागर, दूसरी ओर चित्रदीर्घा है। शस्त्रागर में पुरानी कलात्मक तोप और प्राचीन हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में विश्व प्रसिद्ध शाही खजाने का ताला, सोने चांदी के सिक्के रखने के बर्तन, ऊंट की खालों के सिगड़े, धान के बर्तन तथा अन्य वस्तुएं प्रदर्शित शस्त्रागर से लगा हुआ श्रीराम हरि भगवान का मंदिर है। और इसके आगे किले के अधिष्ठाता काल भैरव जी की मूर्ति से सुशोभित मंदिर है। यहाँ पर सैनिक रहते थे सामने की तरफ। अच्छा। सामने और ये वाला मैंने बताया 9 कमरों के लिए होता था, ऊपर की तरफ 9 कमरे होते थे, इस टैंक के ना पीछे वाला, इसके अंदर नीचे की तरफ होते थे 9 कमरे, और थोड़ा वो जैसे खजाना वगैरह होता है छिपा के रखते थे वो। तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट भी अगर कुछ खाना वाना खाना हो तो अभी ये लोग एक्चुअली आमेर फोर्ट जा रहे हैं और मैं यहाँ पे वापिस अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। हॉस्टल से मैं निकल जाऊँगा और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो जब तक ये लोग आएगा तब तक मैं वहाँ पे रहूँगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग आमेर फोर्ट जा रहे हैं तो आमेर फोर्ट में काफ़ी टाइम लग जाएगा पूरा घूमने में, और फिर वहाँ पे वो नारगढ़ फोर्ट चले जाएँगे तो करीबन मतलब शाम को ही आएँगे, और तब तक तो मैं वहाँ पे खाटू श्याम जी भी पहुँच जाऊँगा। बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल महल के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने जैसलमेर, जोधपुर, लेह लद्दाख, अमृतसर और अहमदाबाद के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए,
करीब 120 से अधिक वीडियोस बनाए जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।